एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके बाद पढ़ाएंगे, वो बहुत ही जल्दी हम खत्म करेंगे, उसमें ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है नाउन में? नंबर, जेंडर और केस। ठीक है, तो आपको समझा देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एप्पल क्या है तो आप बोलिएगा फल का नाम है, मोहन क्या है व्यक्ति का नाम है, टोयोटा क्या है कंपनी का नाम है। उसी तरह से किसी क्वालिटी, स्टेट और एक्शन के नाम को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी यानी गुण, जैसे सुंदरता एक गुण है तो ब्यूटी जो शब्द है क्वालिटी के लिए आता है। बचपन एक अवस्था है, चाइल्डहुड इसके लिए इस्तेमाल होता है। हंसना एक कार्य है, लाफ्टर इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है तो आप कहिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब है क्वालिटी, स्टेट या एक्शन को डिनोट करने वाले शब्द को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में एक पॉइंट है, नो प्लूरल। अगर कोई शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसका प्लूरल नहीं होगा। फिर वही ध्यान देना है, जैसे कि हमने मटेरियल नाउन में पढ़ा था, ये जो बात है हर जगह लागू नहीं होगी। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है उसको गिना जा सकता है। ठीक है, कब? जब टाइप की बात होगी, काइंड की बात होगी, यानी प्रकार की बात होगी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये तो उदाहरण है। इसके अलावा कुछ उदाहरण व्हाइट बोर्ड वीडियोस के द्वारा हम आपको दिखाएंगे। इस कंट्राडिक्शन को दूर कर लेते हैं कि इसका प्लूरल नहीं होता बट कई जगहों पे प्लूरल होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि बिहेवियर यह जो शब्द है इसका प्लूरल बिहेवियर्स होगा या नहीं, तो आप बोलेगा नहीं होगा सर, अगर होगा तो इसकी मीनिंग अलग होगी। हम बोले नहीं, यह जो शब्द है अगर इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह लेके चलते हैं इसका मतलब इसको गिन नहीं सकते हैं, लेकिन अगर प्लूरल लिखा है इसका मतलब इसको गिन सकते हैं। तो डिक्शनरी में जब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि बिहेवियर्स करके एक शब्द होता है। तो अगर ऐसा इस शब्द के साथ हो सकता है तो और भी शब्दों के साथ हो सकता है। इसलिए है ना, ये जो पुराना जो तरीका है हमारे पढ़ने का कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो प्लूरल नहीं होगा, उन सभी को क्या है, भूल जाना है। ये हो सकता है कि बिहेवियर शब्द की एक से अधिक मीनिंग हो और एक मीनिंग के लिए इसको ना गिना जाता हो, एक मीनिंग के लिए इसको गिना जा सकता है और उस मीनिंग के लिए इसका प्लूरल होगा। दूसरी चीज ये हो सकती है कि यहाँ पे प्रकार की बात हो रही हो। आपको हमने कहा था कि यू शुड हैव अ डिक्शनरी, तो अगर आपके पास डिक्शनरी है इंग्लिश टू इंग्लिश तो आप जाइएगा उसमें बिहेवियर शब्द देखिएगा, फिर देखिएगा बिहेवियर उसमें लिखा हुआ है या नहीं, या दोनों की मीनिंग में फर्क है या नहीं। तो पुरानी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं उसको भूल जाइए, जिस तरीके से बता रहे आप उस तरह से फॉलो कीजिए। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे नाउन के, जहां पे हम पढ़ेंगे कि नाउन को पढ़ते वक्त सिर्फ तीन चीजों पे ध्यान देना है। नंबर यानी उसकी गिनती, गिन सकते हैं या नहीं, गिन सकते हैं तो एक है या एक से अधिक। दूसरा जेंडर, यानी जिस चीज के नाम की हम बात कर रहे हैं वह उसका सेक्स क्या है, उसका जेंडर क्या है, पुरुष है महिला है या फिर निर्जीव वस्तु है। और केस यानी जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं, जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ तक हम लोग परंपरागत ढंग से जो नाउन पढ़ते आ रहे हैं उसको कंक्लूड करेंगे। इसके बाद सिर्फ कुछ उदाहरण हम आपको दे देंगे, कुछ उदाहरण देंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुण को बताता है, क्वालिटी को, अवस्था को यानी स्टेट को, और एक्शन यानी किसी कार्य को। लिस्ट दे देंगे जिसमें क्वालिटी के नाम क्या कुछ होगा कि भाई ये सारे शब्द एडजेक्टिव है जिनसे गुण का बोध होता है और इनसे ये नाउन बना। फिर हम बताएंगे ये कुछ शब्द हैं जो अवस्था को डिनोट करते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक्शन को। और उसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को हम लोग जब पढ़ते हैं तो तीन आधार पे पढ़ते हैं, नंबर, जेंडर और केस। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं, थैंक यू। तो जैसा कि एग्जांपल हमने बिहेवियर का लिया था और मैंने कहा था कि बिहेवियर शब्द का प्लूरल होगा और एक ही मीनिंग के लिए होगा, तो आप यहाँ देखिएगा कि हमने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखा है बिहेवियर शब्द को अनकाउंटेबल की तरह भी ट्रीट किया जाता है और countable noun की तरह भी treat किया जाता है, दोनों में उसकी meaning same है। The way that somebody behaves, the way a person, an animal, a plant, a chemical behaves or functions in a particular situation, और इस रूप में इस शब्द की meaning भी है plural के रूप में। यानी पुरानी जो भी परिभाषाएं हैं उनको छोड़ना होगा हमें कि भाई abstract noun है तो plural नहीं होगा। अब हमें हर शब्द को अलग अलग treat करना पड़ेगा,
हम आपको समझा देंगे कि कैसे पहचानेंगे कोई भी नाउन सिंगुलर है तो सही है, प्लूरल है तो सही है या नहीं है, बट उसके लिए हम लोगों को अब पढ़ना पड़ेगा आधुनिक रूप से कि भाई मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को गिनती के आधार पे दो हिस्सों में बांटते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और ये चीज़ हम लोग बस अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए वेट करें, थैंक यू। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम होता है किसी गुण का, किसी अवस्था का या फिर किसी कार्य का। तो हम लोग उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पर गुण का नाम बताने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो गुण का बोध कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा एडजेक्टिव्स का, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स का जो यूज़ है प्राइमरली वो गुण बताने के लिए करते हैं। तो देखिए, अगर एक एडजेक्टिव है कि भाई कोई व्यक्ति वाइज है, यानी कि कोई समझदार है, तो उसके अंदर जो गुण है उस गुण को कहेंगे विजडम। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ लिख रखे हैं वो सभी गुण का बोध कराते हैं। तो हमने बाईं तरफ में एडजेक्टिव्स को डिनोट किया है और उन एडजेक्टिव्स यानी उन क्वालिटीज़ को, उन गुणों को नाउन के रूप में किस नाम से जानते हैं वो दाहिनी तरफ में मेंशनड है। अगर कोई व्यक्ति वाइज है तो उसमें जो गुण है उसको विजडम कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति गरीब यानी पुअर है तो उसमें जो गुण है वो पॉवर्टी है। तो यहाँ पे दिए गए सारे के सारे एग्जाम्पल्स क्वालिटी को डिनोट करते हैं यानी गुण को डिनोट करते हैं, और उनका नाम बताने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसलिए इनका प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है कॉमन नाउन से बना हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आप ध्यान दीजिएगा, हमने अवस्था की बात की थी, स्टेट। तो अवस्था को बताने के लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, कॉमन नाउन का भी प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति मैन है, इफ अ पर्सन इज अ मैन, मतलब एक खास आयु में आने के बाद अगर एक व्यक्ति को हम कहते हैं अब ये पुरुष हो चुका है तो उसके अंदर जो गुण है उस गुण को क्या कहेंगे, मैनहुड। अगर कोई बच्चा है उसके अंदर जो गुण है उसको कहेंगे चाइल्डहुड। अगर कोई व्यक्ति आपका मित्र है तो उसके अंदर जो गुण है उसको क्या कहेंगे, फ्रेंडशिप। तो ये सारे नाउन है, ये लिस्ट इसलिए हमने आपको प्रोवाइड की है ताकि आप क्या है जान सके कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का एक कॉमन तरीका क्या है। इसी सीरीज में आगे देखिएगा, हम लोग देख रहे हैं कुछ ऐसे शब्दों को हम देख रहे हैं जो उन चीज़ों का नाम है जो किसी कार्य को आप बोध कराते हैं। तो कार्य का बोध कराने के लिए वर्ब का हम यूज़ करते हैं, तो काम के नाम को कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे एक वर्ब है जैसे सर्व, किसी के सेवा करना, तो इसके लिए जो नाउन फॉर्म है वो है सर्विस, लिव रहना, उससे नाउन बनेगा लाइफ, हेट मतलब घृणा करना, और उससे जो नाउन बनेगा वो बनेगा हेट्रेड यानी घृणा। ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी लिस्ट में आगे भी जो शब्द हैं तो पाउज करके अगर आप चाहें तो इस लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपकी लिस्ट है। तो ये सारे जो नाउन हमने पढ़े ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एक जो रूल ऑफ थंब होता है उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे आपको हमने वो एग्जाम्पल्स बताए हैं जिनमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंटेबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वो हम लोग फिर फर्दर तब पढ़ेंगे जब हम आपको बताएंगे कि नाउन को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नंबर, जेंडर और केस के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा जाता है, नंबर के आधार पे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। तो हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए नाउन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, थैंक यू।